Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हमें फाइंड करना है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर, ठीक है। हमें डिफरेंट, देखो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द 5/7 एंड 9/11, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि हमें रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो हम लोग तो ईजिली कर लेते थे, तो यहाँ भी ईजी है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, 5/7 एंड 9/7 को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि सिंपल डिवीजन मेथड से, क्लियर है। तो हमें इरेशनल नंबर चाहिए, है ना। रेशनल नंबर तो याद होगा पी बाय क्यू के फॉर्म में, है ना। और ये रेशनल नंबर जो होता था वो दो टाइप का होता था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते थे। ये सब बहुत अच्छा से क्लियरिटी होना चाहिए हम लोग को, ठीक है, तभी बनेगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5/7 को डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो 7/5 ये छोटा है तो जाएगा नहीं, तो 0.77049 10 फिर कितना 1 ना, 7 1 3 0 7 4 28 2 फिर 0 7 2 14 6 0 7 8 56 4 फिर हमारे पास 0 आता है तो 7 5 35 5, यानी कि 5 अब क्या आ रहा है हमारा, रिपीट कर रहा है। हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, 5 से ना, तो हमारा 5 क्या आ गया, फिर से रिपीट कर रहा है, यानी कि जो हमारा ये डिजिट है वो क्या है, रिपीटिंग है, क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे 0.714285 क्या हो गया हमारा, ठीक है, ये रिपीटिंग नंबर हो गया, है ना, रेशनल नंबर है। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन इसका यही है ना। अब 9/11 क्या करते हैं, क्या तो 9/11 को भी सिमिलरली ऐसा ही कर दो, तो ये 0 पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास 11 8 88, ठीक है, तो कितना हो रहा है 1 2, सही है, 1 जर क्या, हाँ 2 बचेगा, सही है, सॉरी 2 बचेगा हमें, और यहाँ से हम लोग पॉइंट से 0 ले लिया, क्लियर है। तो यहाँ से 11 1 जर 11 9 फिर 0 फिर 9 8 जर 18 8 फिर 2, क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, हो रहा है ना रिपीट, तो इसलिए हमारे पास जो आ रहा है वो 1, यानी कि ये 8181 क्या हो रहा है, ये डिजिट हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि वैसा भी वही नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्लियर है। तो 0.81 के ऊपर 12, देखो ये दोनों क्या है हमारे पास, डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है, तो इसके बीच में हमें क्या चाहिए, इरेशनल नंबर, है ना, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो ये 0.714, तो ये दोनों के बीच में बहुत सारा इरेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो 0.7207200 ऐसे ही आगे चलते रहेगा, यानी कि ये ना ही रिपीट करेगा, है ना। अब फिर मान लो 0.73, देखो यहाँ 7-1 है और 8-1 है, तो इनके दरमियान, इनके बीच में बिटवीन 7.1 और 0.71 ऐसा, और फिर 0.81 के बीच में बहुत सारा, दे आर लॉट ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, है ना, बहुत सारा, जरूरी नहीं जो हम लिख रहे वही आंसर होगा, तुम लोग भी बहुत सारा नंबर आंसर लिख सकते हो, है ना। 0.73007 ऐसा बहुत नंबर है, अगर फिर 0.80 लिख लो, मतलब ये 81 है तो उससे नीचे ये आ जा रहा, ये दोनों के बीच में चाहिए हम लोग को, है ना। ठीक है, समझ में आया, तो ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का, क्लियर है।